अब 100 नंबर मतलब कि 100 नंबर डायल करने पर यूपी पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी। अगर आप 100 नंबर डायल करते हैं तो यूपी पुलिस की ओर से आपको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलने वाली है। अब ये सोचकर जो है आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे, अगर 100 नंबर पर मदद नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से मदद मिलेगी, या फिर कौन सा नंबर डायल करना होगा कि जिसपे हमें मदद मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा नंबर डायल करना होगा जिसपे हमें मदद मिलेगी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी हाँ, यूपी पुलिस ने जो है अब जो अपना हेल्पलाइन नंबर था उसको चेंज कर दिया है। 100 नंबर पर पहले आपको मदद मिलती थी, अब वो नंबर जो है वो बदल कर 112 कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली में जो है इससे पहले ये नंबर चेंज कर दिया गया था, दिल्ली में जो है 112 नंबर को जो है इससे पहले ही लागू कर दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नंबर जो है, ये जो डायल नंबर है 112, ये 26 अक्टूबर से जो है ये लागू होगा। जी हाँ, मतलब कि 26 अक्टूबर के बाद से अगर किसी भी हेल्पलाइन की आपको ज़रूरत पड़ती है पुलिस के एंड से, तो आपको 112 डायल करना होगा। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इसका शिलान्यास करेंगे, उसके बाद से जो है 100 नंबर जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बहुत से बाहर के देश में जो है 112 नंबर को ही यूज़ किया जाता है, इसी तर्क पे हिंदुस्तान में भी जो है वो 112 नंबर को जो है वो यूज़ में लाने की तैयारी है। हम आपको बता दें कि अब आपको अलग अलग नंबर्स पे कॉल करना नहीं पड़ेगी, ये जो है ये देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप 112 नंबर मिलाते हैं तो उसी में जो है आपको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के नंबर के लिए जो है आपको अलग अलग डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी नंबर से जो है आपकी कॉलें जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिला दी जाएंगी जहाँ से आपको मदद की दरकार होगी। तो एक अच्छी शुरुआत है योगी सरकार की तरफ से कि यूपी में जो है अब एक ही नंबर होगा जिस पे आपको मदद मिल सकती है। 100 नंबर को अब आपको नहीं दबाना होगा। अगर आपको कभी भी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, कभी भी आपको किसी भी तरह की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो 100 नंबर की बजाय अब आप 112 नंबर जो है वो दबाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जनहित में जारी है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये खबर नहीं पता होती है, आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग भी जो है इस मैसेज को जो है वो आम करें, इस मैसेज को वायरल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे कि अब उनको किसी भी परेशानी के वक्त अगर पुलिस की ज़रूरत होती है तो 100 नंबर नहीं बल्कि 112 नंबर डायल करना होगा अपने मोबाइल फोन से, ताकि उनको जो है तत्काल मदद मिल सके। तो देखना यह होगा कि अब कितना कारगर साबित होता है ये 112 नंबर। हालांकि सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, लेकिन जो यूपी पुलिस है वो यूपी पुलिस वही है, जितनी मुस्तैद ये पहले थे उतने ही मुस्तैद अब हैं। हम सब जान सकते हैं कि हमारे जो पुलिस वाले हैं वो कितने मुस्तैद हैं और कितनी जल्दी जो है क्वारीज का उनके पास जो है वो सोल्यूशन रहता है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ होंगे मौजूद। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि 112 नंबर चेंज करने से क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस का जो हाल है वो चेंज होगा, या आपके जो सॉल्यूशन है वो इंस्टेंट होंगे, या जो है क्वेरीज को सॉल्यूशन करने में जो है ज़्यादा तेज़ी से काम होगा।